उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले के लक्ष्मीपुर गांव में पिछले 20 साल पहले एक पशु चिकित्सालय का निर्माण किया गया था, जिसमें आज तक कोई भी डॉक्टर बैठा ही नहीं है और वहां के लोगों को पशुओं को इलाज कराने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाय एक इसी गाय का एक बच्चा था, करीब 10-11 महीने की हो गई थी वो, और उसका अचानक तबीयत खराब हो गया। जबकि हमारे गांव में चिकित्सालय है, लेकिन वहां डॉक्टर का सैलरी चल रहा है, लेकिन यहां बैठता नहीं है। डॉक्टर की कमी की वजह से हमारी वो गाय मर चुकी है। हमारे गांव के लोग का और पूरे हमारे मतलब क्षेत्र का लोग, नया पंचायत के मतलब जितना है, नया पंचायत के अन्य भी गांव के लोग हैं, सबके यहाँ पहले यहाँ गोरू आते थे, गाय या भैंस लेके लोग आते थे और यहाँ टीका सुई अपना दवा डॉक्टर द्वारा करा के जाते थे। आयु लमसम 25 बरस पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन 25 बरस से ये अभी अस्पताल टूटा हुआ पड़ा हुआ है और डॉक्टर बैठ के अपना सैलरी उठा रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी नहीं आता है। आपके गांव में किस चीज की समस्या है? समस्या ये अस्पताल की है, सड़क की है। ये पशु चिकित्सालय कितने दिनों से बंद है? या नियर अबाउट 80 से बंद है। कितने गांव में कितने घर होंगे लगभग तभी? अरे नियर अबाउट या 10,000 से ऊपर की होगा। तो यहाँ आप लोग यहाँ नहीं है तो कहाँ लेकर जाते हैं पशुओं को? फाइलोर कितना दूरी पर? यहाँ से 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पड़ेगा। तो उनको अभी भी सैलरी मिल रही है? हाँ सैलरी मिल रही है उनका, कई गांव कई अस्पतालों का चार्ज है। आप लोग कभी गए थे इसके लिए? हाँ कहाँ कहाँ? हम लोग डीएम के यहाँ शिकायत भी किए हैं इसका। मैं चाहती हूँ कि कुशीनगर जिले के लक्ष्मीपुर गांव में जल्द से जल्द इस पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया जाए, उसकी स्थिति को सुधार दिया जाए, जिसके कारण यहाँ के वंशराज और यहाँ के गांव के लोगों को पशुओं को इलाज कराने के लिए काफ़ी दूर ना ले जाना पड़े। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी ये अपील है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ के CMO का नंबर 8005197674 है, जिस पर कॉल कर हमारी मदद करें। मैं माधवी चौहान, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट के लिए।